बेंगलुरु जहां कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे के घर से नोटों का जखीरा बरामद हुआ था और आज कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए बेंगलुरु की बीजेपी के खिलाफ, ये बेंगलुरु में कांग्रेस का प्रोटेस्ट, दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस का विरोध, जहां कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए हैं, वहीं कल भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के जो बेटे हैं उनके घर से 8 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे और ये नोटों का जो जखीरा है आप देख रहे हैं, जहां गिनने के लिए भी पसीने बहाने पड़े थे इन अधिकारियों को। तो छापेमारी में ये करोड़ों के जो बंडल हैं वो बरामद किए गए, 8 करोड़। इसको लेकर अभी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, तंज भी कसा जा रहा है और इसी को लेकर ये कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, और इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता हिरासत में भी लिए गए हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सिद्धारमैया, इनको भी हटाने की कोशिश हो रही है, शायद अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये हिरासत में है या नहीं, लेकिन कई अभी कांग्रेसी जो लीडर्स हैं उनको पुलिस ने डिटेन किया, हिरासत में लिया है और इनको भी ले जाते हुए पुलिस। तो भारी विरोध प्रदर्शन के बीच, नारेबाजी के बीच ये आप देख सकते हैं बेंगलुरु में, क्योंकि कर्नाटक का यह पूरा मामला और ये गूंज अभी फिलहाल थमने वाली नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके बेटे से जो करोड़ों की नकदी बरामद हुई है, इसको लेकर कांग्रेस का रुख बेहद ही आक्रामक। देखिए